हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फुटबॉल की, हम सबके फेवरेट प्लेयर मेसी की, और इंग्लिश या हिंदी के एक एक्सप्रेशन नेवर गिव अप या कभी हिम्मत नहीं हारना। अभी हाल में ही जो वर्ल्ड कप हुआ और अर्जेंटीना ने उसको जीता, उसका सेलिब्रेशन अब तक चल रहा है। मेसी अर्जेंटीना के ही प्लेयर हैं और उन्होंने उनका एक ड्रीम जो है उसको साकार किया 2022 में वर्ल्ड कप को जीत के। लेकिन उनके लिए ये बहुत आसान नहीं रहा, क्योंकि मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ और उनके फादर जो थे वो भी फुटबॉल क्लब से रिलेटेड रहे, तो बचपन से ही उनका फुटबॉल से एक रिश्ता जुड़ गया और वो 5 साल की एज में अपनी उम्र के हिसाब से, बच्चेपन के हिसाब से अच्छी फुटबॉल को खेलते थे। लेकिन थोड़ा 6 या 7 ईयर्स में मेसी के पेरेंट्स को ऐसा लगा कि मेसी की ग्रोथ उनके सेम एज बच्चों के हिसाब से कम है, और जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो एक जो डायग्नोस हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला और थोड़ा परेशान कर देने वाला रहा कि मेसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट महंगा था। मेसी के पेरेंट्स ने कोशिश की, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी एक फैक्टर रही। लेकिन उसके बाद FC बार्सिलोना क्लब ने मेसी के लिए जिम्मेदारी ली कि 3 साल तक उसका जो ट्रीटमेंट होगा उसको वो सहन करेंगे और मेसी उनके क्लब के लिए खेलेंगे। उस उम्र में लगातार 3 साल तक मेसी रोज़ाना अपने पैरों में ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाते रहे। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के पीछे उसकी मुश्किलें, उसकी दिक्कत, उसके संग क्या क्या घटा है, ये हम लोग को नहीं पता होता। आगे बढ़ के मेसी ने जब थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया क्लब से और फिर अपने देश के अर्जेंटीना की तरफ से जब वो खेलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि हम वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे, उनका ये ड्रीम रहा है। लेकिन वो इस ड्रीम को 4 वर्ल्ड कप में साकार नहीं कर पाए। वो बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन उनका हार्ड लग रहा कि वर्ल्ड कप अर्जेंटीना नहीं जीत पाई। इस एक दौर ऐसा भी आया मेसी के लिए जब वो हताश हो गए, निराश हो गए और उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा अब मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा और शायद मेरी किस्मत में नहीं है अर्जेंटीना के लिए कप जीतना। लेकिन अर्जेंटीना के ही एक प्लेयर डियागो मैराडोना, जो एक ग्रेटेस्ट प्लेयर हुए हैं और उनके संग मेसी का एक बॉन्ड, एक रिश्ता बड़ा ख़ास रहा है, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैराडोना भी 10 नंबर की जर्सी के संग खेलते रहे और मेसी भी 10 नंबर की जर्सी के संग खेले। उन्होंने मेसी को वापस फील्ड में बुलवाया और कहा कि नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप आप खेलोगे, आप तैयार होइए और अपनी जो भी आपकी दोबारा से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और मेसी ने अपना पूरा एक जो एफर्ट था वो अपने आप को निखारने में, इम्प्रूव करने में लगाया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2002 में अभी हाल में ही मेसी अपना वो सपना साकार कर पाए और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली। ये एक चैम्पियनशिप का जीतना जो है ये नेवर गिव अप का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अगर मेसी अपने बचपन में या उनके पेरेंट्स हिम्मत हार जाते और उनके लिए प्रयास नहीं करते, उनके लिए ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं करते, तो क्या मेसी आज वहाँ होते? मेसी ने रिटायरमेंट ले लिया जब मैराडोना ने उनको वापस बुलाया, अगर मेसी मना कर देते या नहीं कोशिश करते तो क्या अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत पाते? तो ये एक बहुत अच्छा है, एक उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल और एक मोटिवेशन रखा हम सब के लिए कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, सेलिब्रेट करते हैं अर्जेंटीना की जीत, मेसी की जीत और हम सब की जीत, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में ये भावना रहती है। तो इस बात के साथ आज के लिए बाय बाय।